महाभारत के उलझे हुए नाते रिश्तों की सूची में सबसे पहले नाता आता है करण और कुंती का संबंध। नंबर वन, करण और महारानी कुंती का रिश्ता। वैसे तो करण को महाभारत का सबसे श्रापित पात्र माना जाता है, परंतु माता कुंती और करण के रिश्ते की बात करें तो ये करण के जन्म से संबंधित है। दरअसल पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, लेकिन बाद में उन्हें कुंती बोझ ने गोद ले लिया था। एक बार की बात है, महर्षि दुर्भाषा का आगमन कुंती बोझ के महल में हुआ और वो करीब एक साल तक उसमें रहे। इस दौरान राजकुमारी कुंती ने महर्षि दुर्भाषा का पूरे मन से सेवा करी और एक वर्ष पश्चात जब वो महल से जाने लगे तो उन्होंने कुंती से वरदान मांगने को कहा। तब राजकुमारी कुंती ने महर्षि दुर्भाषा से कहा, प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कुछ भी प्राप्त कर सकूं। तब महर्षि दुर्भाषा ने राजकुमारी कुंती को वरदान के रूप में एक मंत्र दिया और बोली, पुत्री इस मंत्र के प्रभाव से तुम किसी भी देवता का आवाहन करती हो और मनमांछित वर प्राप्त कर सकती हो। इतना कहकर महर्षि दुर्भाषा वहां से चले गए। उसके बाद एक दिन राजकुमारी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना महर्षि दुर्भाषा द्वारा दिए गए मंत्र की सत्यता की जांच की जाए। फिर उसने उस मंत्र की सहायता से सूर्य देव का आवाहन किया और फलस्वरूप सूर्य देव प्रकट हो गए। ये देख कुंती हैरान हो गए और सूर्य देव को प्रणाम कर उनसे क्षमा मांगने लगी और बोली, हे प्रभु, मैंने महर्षि दुर्भाषा के वचन की सत्यता की जांच करने के लिए आपका आवाहन किया था, लेकिन सूर्य देव बिना वचन दिए जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कुंती को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया जो कि उनकी छवि के समान जन्म लेगा। ये वरदान देखकर सूर्यदेव वहाँ से चले गए और कुंती के हाथ में सूर्य देव के वरदान स्वरूप कवच और कुंडल के साथ करण का जन्म हुआ। कुंवारी कुंती समाज और परिवार के सवालों से भयभीत होकर करण को एक बक्से में रखकर नदी में बहाने का निर्णय लिया और उसके पश्चात करण का पालन पोषण अदिरथी और राधा ने किया। परंतु करण और कुंती के रिश्ते की सच्चाई करण की मृत्यु के बाद सभी को पता चल गई। नंबर दो, श्री कृष्ण का समधी दुर्योधन। महाभारत रोमांचक कथाओं का एक दुर्लभ ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच एक अनोखे रिश्ते से जुड़ी कथा का भी बखान मिलता है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच संधि का रिश्ता था। श्री कृष्ण और उनकी पत्नी जामवंती के पुत्र साम ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हरण कर विवाह किया। राजकुमारी लक्ष्मणा सांप से प्रेम करती थी, इसलिए कौरव और विशेष रूप से दुर्योधन नहीं चाहते थे कि उन दोनों का विवाह हो, लेकिन नियति को यही पसंद था, इसलिए लक्ष्मणा ने स्वयं सांप को अपना हरण करने के लिए आमंत्रित किया। परंतु जब विवाह की बात कौरवों को पता चली तो उन्होंने सांप को बंदी बना लिया। तब यदुवंशी ने बलराम और कृष्ण से कौरवों से युद्ध करने की बात कही, लेकिन बलराम ने कहा वो स्वयं हस्तिनापुर जाकर सांप को मुक्त करवाएंगे। लेकिन जब बलराम हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया और क्रोध में आकर बलराम उनके घमंड को चकनाचूर करते हुए हस्तिनापुर को उखाड़ के गंगा में बहाने ही वाले थे कि तभी दुर्योधन ने उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगी और सांप को लक्ष्मण का पति स्वीकार कर उसे बंधन मुक्त कर सम्मान पूर्वक विदा किया। इस तरह ना चाहते हुए भी दुर्योधन श्री कृष्ण के समधी बन गए। नंबर तीन, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, शांतनु के सत्यवती से विवाह के पश्चात उनके दो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और विचित्रवीर के बाल अवस्था में उनके पिता शांतनु का स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद उनका लालन पोषण भीष्म ने किया। चित्रांगद की युवा अवस्था प्राप्त करने की पश्चात भीष्म ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी, परंतु कुछ समय बाद ही गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात भीष्म ने विचित्रवीर को राज सिंहासन सौंपा। उसके बाद अब भीष्म को विचित्रवीर की शादी की बात सताने लगी। उन्हीं दिनों काशी राज की तीनों राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के स्वयंवर का आयोजन हुआ था, जिसमें भीष्म ने अकेले ही जाकर सारे राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों राजकुमारियों को हरण कर हस्तिनापुर में ले आए। अम्बा ने बताया कि वो राजा शालब को तन मन से समर्पित कर चुकी है। ये सुन भीष्म ने उसे राजा शालब के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर से करवा दिया। उधर अम्बा को शालब ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते होंगे कि इधर हस्तिनापुर में कुछ दिनों पश्चात विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। ये देख राजमाता सत्यवती को उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। फिर उन्होंने भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को कहा। भीष्म ने प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। तत्पश्चात सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास देव को आमंत्रित कर उसे हस्तिनापुर का वारिस बनाने का आग्रह किया। व्यास ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए अम्बालिका और अंबिका के साथ नियोग विधि से पुत्र देने की बात कही। फिर अंबिका और अम्बालिका और एक दासी महर्षि व्यास के सामने आए। फिर 9 महीने बाद तीनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे अंबिका के गर्भ से नेत्रहीन धृतराष्ट्र, अम्बालिका के गर्भ से पीलिया रोग से ग्रस्त पांडु
और दासी के गर्भ से पूर्ण रूप से स्वस्थ पुत्र विदुर का जन्म हुआ। ऐसे में अब आप सोचते होंगे कि वास्तव में ये तीनों पुत्र किसके थे, और जब धृतराष्ट्र और पांडु चंद्रवंशी कहलाए तो फिर विदुर दासी पुत्र कैसे हो गया। नंबर 4, 100 कौरव। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनकी पत्नी गंधारी ने विवाह के पश्चात अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। धृतराष्ट्र के मन में इच्छा थी कि गंधारी जल्द से जल्द एक पुत्र को जन्म दे जो हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठ सके। फिर कुछ दिन पश्चात गंधारी गर्भवती हुई, लेकिन 10-11 महीने बीतने के बाद भी उनके गर्भ से कोई शिशु का जन्म नहीं हो रहा था। उधर वन में कुंती और पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर ने जन्म लिया। फिर एक दिन गंधारी के गर्भ से मांस का एक पिंड निकला, जिसे देख वो घबरा गई। उधर महर्षि वेदव्यास को जब ये ज्ञात हुआ कि गंधारी ने मांस के लौथड़े को जन्म दिया है, तो वो तत्काल गंधारी के पास पहुँचे। तब गंधारी ने उसे कहा, आपने तो कहा था कि मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तब महर्षि व्यास ने गंधारी से कहा, पुत्री धैर्य रखो, शिव का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। उसके बाद व्यास ने मांस के पिंड को 100 टुकड़ों में खंडित घड़े में डाल दिया, और एक साल बाद जब घड़ों को खोला गया तो उसमें सबसे पहला पुत्र दुर्योधन निकला। कहा जाता है कि दुर्योधन जन्म से ही मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद 99 कौरव और एक पुत्री दुशहरा का जन्म हुआ। अब आप ही बताएं कि वास्तव में सभी कौरव किसके पुत्र थे। नंबर 5, 5 पांडव। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। ये उस समय की बात है जब हस्तिनापुर नरेश पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार को गए थे, जहाँ पांडु की दूसरी पत्नी माद्री उनसे हिरण का शिकार करने के लिए बोल रही थी, जिसके बाद पांडु हिरण को खोजते हुए आगे निकल गए। फिर उन्हें हिरणों की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने आवाज की दिशा में शब भेदी वान चला दिया। परंतु जब महाराज पांडु वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में संभोगरत थे। महाराज पांडु को अपने सामने खड़ा देख ऋषि किंदम ने उन्हें श्राप दे दिया कि राजा, जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ संभोग करने जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुन पांडु और उनकी दोनों पत्नियां दुखी हो गई। तत्पश्चात पांडु वापस हस्तिनापुर आए और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को अपना राज सिंहासन सौंप दिया, और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दोनों पत्नियों के साथ वन में जाकर रहने लगे। फिर एक दिन पांडु ने कुछ ऋषियों को ब्रह्म दरबार जाते देखा। उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु ऋषि मुनियों ने एक पुत्रहीन को ब्रह्मराज ले जाने से इनकार कर दिया। इससे दुखी होकर पांडु ने कुंती से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हे देवी, एक पुत्रहीन को इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। तब कुंती ने समस्या का समाधान सोचते हुए पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान के बारे में बताया। उसके पश्चात पांडु के कहने पर कुंती ने उस दिव्य मंत्र से सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी तरह इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम का जन्म हुआ। तत्पश्चात पांडु ने कुंती से मंत्र की दीक्षा माद्री को देने को कहा, जिसके फलस्वरूप माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। नंबर 6, इरावन की पत्नी बने श्री कृष्ण। अर्जुन और नाग कन्या के मिलन से अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था इरावन, जिसने अपने पिता की जीत के लिए अपनी बलि दे दी थी। मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु से पूर्व उसका विवाह हो जाए, लेकिन इस विवाह के लिए कोई भी कन्या तैयार नहीं हुई, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। जब कोई कन्या तैयार नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण कर इरावन से न केवल विवाह किया, बल्कि इरावन को विदा करते हुए एक पत्नी की तरह रोए भी। नंबर 7, द्रौपदी के 5 पति। द्रौपदी महाकाव्य के महत्वपूर्ण पात्र में से एक है। वह पंचाल राज्य की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और बहुत ही गूढ़, पतिव्रता और बुद्धिमान स्त्री थी, जिनको प्रतीक पैमाने पर आकर्षण माना गया था। अब ये सवाल सबके मन में आता है कि द्रौपदी का विवाह पांडवों से कैसे हुआ। वास्तव में द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह निश्चित था। दरअसल वे पिछले जन्म में एक तपस्वी की पुत्री थी, जिसका पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण विवाह नहीं हो पाया था, जिसके पश्चात हताश होकर शिव की तपस्या की, और कई वर्षों की तपस्या के पश्चात उन्हें शिव द्वारा वरदान प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई, मुझे सर्वगुण संपन्न वर चाहिए। भगवान शिव ने कहा, क्योंकि तुमने 5 बार वर की मांग की है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 पति का साथ मिलेगा। और जब अर्जुन उन्हें स्वयंवर में जीत कर माता कुंती के पास पहुँचे, तो उन्होंने बाहर से ही माता को आवाज लगाते हुए कहा, देखिए माते, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। तब माता कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया, जो भी लाए हो 5 आपस में बांट लो। ये सुन माता की आज्ञा का पालन करते हुए पांडवों ने कुंती के कथन को स्वीकारते हुए द्रौपदी को अपनी पत्नी मान लिया, जिसके कुछ समय उपरांत द्रौपदी को पांडवों में से 1 साल के अंतर में एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
नंबर 8, श्री कृष्ण के जीजा अर्जुन। एक बार रिफ्तक पर्वत पर बहुत ही भव्य और विशाल पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ घूम रहे थे। तभी अर्जुन की नजर वास्तविक पुत्री और कृष्ण की बहन शुभ्रता पर पड़ी, जो कि सुंदर और गहनों से सुसज्जित बहुत ही आकर्षक लग रही थी, और अर्जुन का मन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये सुंदरी वासुदेव की लाडली पुत्री और मेरी बहन है। यदि तुम्हारा विवाह का विचार है तो मैं खुद अपने पिता वासुदेव के समक्ष ही प्रस्ताव रखूंगा। उसके उपरांत अर्जुन द्वारा सलाह मांगे जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुब्रता हरण की सलाह दी। दोनों ने विचार विमर्श कर सुब्रता की परिक्रमा के पश्चात पर्वत से हरण की योजना बनाई। जब अर्जुन बलपूर्वक हरण करके ले गए, उसके पश्चात सभापद में चलती सभा में अर्जुन के सारे कारनामों का वर्णन किया, जिसे सुन सारे यदुवंशी गुस्से में आग बबूला हो युद्ध की तैयारी करने लगे। उस बीच बलराम ने सबको शांत कर श्री कृष्ण की राय जानने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ने कोई कायरों वाला कार्य नहीं किया है, वही त्रिलोक में सबसे शूरवीर योद्धा है और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ उनके पास है। यदि कोई उनसे युद्ध करने भी जाएगा तो उसकी हार तय है। ये सब बातें सुनकर सुब्रता को अर्जुन को सौंपने का निर्णय लिया। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा बन गए। अब आप नीचे कमेंट करके ये बताएं कि अर्जुन की माता कुंती जब श्री कृष्ण की बुआ थी और सुब्रता की कृष्ण बहन, तो अर्जुन और सुब्रता में वास्तविक संबंध क्या होना चाहिए। महाभारत के युद्ध में बहुत से पात्रों को धर्म और संबंध के बीच दुविधा में डाल दिया है। ऐसी एक वीर था जो इसी दुविधा से गुजरते हुए अंत में संबंध से ऊपर सत्य और धर्म को चुनता है। युद्ध शुद्ध और उनकी दासी सुकादा के पुत्र थे। एक दासी पुत्र होने के बाद भी उन्हें कौरवों के समान ही अधिकार प्राप्त थे, परंतु गंधारी पुत्र कौरवों ने कभी उसे भाई के रूप में स्वीकार नहीं करा और समय समय पर उसकी निंदा भी की, परंतु कौरवों के साथ रहकर भी उन्हें धर्म और सत्य का भली भांति ज्ञान था। इस कारण वर्ष जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था, वे अपने आप को नहीं रोक पाए और उसी समय पांडवों का साथ देने उनकी सेना में चले गए, जिसने पांडवों की सेना को और बलवान कर दिया था। ऐसे में आप ही बताएं कि जब दासी पुत्र होते हुए विदुर को जब चंद्रवासी नहीं माना गया और उसे पूरे महाभारत दासी पुत्र के रूप में दर्शाया गया, तो फिर युधुषु दासी पुत्र होते हुए कौरव कैसे हो गया। नंबर 10, बुआ की बेटी से विवाह। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक पत्नी बिंदा थी। एक दिन श्री कृष्ण विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी पहुंचे और वहां से राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। मित्रविंदा अवंती के राजा जयसेन की पुत्री थी। उनके दोनों भाई विन और कौरवों के सभासद थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की पुत्री थी। मित्रविंदा श्री कृष्ण को पसंद करती थी, परंतु जब इसके बारे में घर वालों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके लिए श्री कृष्ण और बलराम को मित्रविंदा के भाई और कौरवों से युद्ध करना पड़ा। नंबर 11, अभिमन्यु के ससुर बलराम। दोस्तों, महाभारत के इस रिश्ते के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल महाभारत वर्णित कथा के अनुसार बलराम और पुत्री वस्त्रसला का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से तय हुआ था, लेकिन भाग्य को शायद ही मंजूर नहीं था। दरअसल जब ये विवाह तय हुआ, उसी दौरान युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य हार गए और पांचों पांडवों को इंद्रप्रस्थ छोड़कर जाना पड़ा और वे सभी द्रौपदी के साथ वन में निवास करने लगे। जब ये बात बलराम और रेवती को पता चली तो वो दोनों सोचने लगे कि एक राज्यहीन राजकुमार को कैसे अपनी बेटी सौंप दे। यही सोचकर बलराम अपनी पुत्री वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से तय कर दिया। इस फैसले से सुब्रता दुखी हो गई और अपनी व्यथा श्री कृष्ण को सुनाई। श्री कृष्ण ने बलराम को समझाने का बहुत प्रयास करा, परंतु वे नहीं माने। तत्पश्चात सुब्रता और अर्जुन ने द्वारका छोड़ने का फैसला लिया। सुब्रता अपनी यात्रा के दौरान जब हिंडावन राज्य पहुंचे तो वहां के राजा घटोत्कच थे। जैसे ही घटोत्कच को अर्जुन और सुब्रता के राज छोड़ने के पीछे का कारण पता चला, तो बलराम से नाराज होते हुए अन्याय के खिलाफ कदम उठाने के बारे में विचार करने लगे। तब अर्जुन और अभिमन्यु ने मिलकर योजना बनाई और सुब्रता अर्जुन को लेकर द्वारका के लिए निकल गए। वहां बहुत कोशिशों के बाद घटोत्कच अर्जुन और वत्सला को मिलाने में कामयाब हुए। उसी समय वह दुर्योधन और लक्ष्मण भी द्वारका पहुंच गए। घटोत्कच अपनी योजना अनुसार शादी के भवन में वत्सला का रूप धारण कर लक्ष्मण को भयावह रूप बनाकर उन्हें डरा के भगाने में कामयाब हो गए। बलराम को अभिमन्यु और वत्सला का विवाह करवाना पड़ा। तो दोस्तों, महाभारत की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप भी कुछ ऐसे ही रिश्तों के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ नई चीजों के साथ।